मैम ये मुझे बताए वोट आपने कास्ट किया है, किन मुद्दों पे आपने किया है ये जरा बताए। देखिए आप बेहतर जानते हैं कि आज 2024 है, 2016 नहीं है, 2008 नहीं है और 1986 नहीं है। आज हर एक बंदे को वोट करने का मौका मिला है, वो आए और वोट करें, बदलाव, अमन और तरक्की के लिए वोट करें, ऐसे कैंडिडेट को चुने जिसके दामन पे दाग ना हो, खून का दबों का दाग ना हो। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपनी पार्टी है, किस तरीके का मुकाबला है ये? देखिए मुकाबला ना हो तो मैदान में खेलने का मज़ा ही नहीं आता है, और इलेक्शन का नाम है कि इसमें मुकाबला बहुत ज़रूरी है और मुकाबले में ही जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाता है। भाजपा जिस पार्टी के साथ आप मुंसलिक है वो कश्मीर में नज़र नहीं आ रही है। देखिए पार्टियाँ बहुत जगहों पे अपने नुमाइंदे, ज़रूरी नहीं है कि पार्टियों का, बहुत सारे पार्टियों के साथ कोलेशन भी होता है, और हमारी पार्टी ने सोच समझ कर जिन लोगों को आज सपोर्ट किया है वो आप बेहतर जानते हैं कि हमारा सपोर्ट उन लोगों के साथ है जो प्रोग्रेस चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और प्रोग्रेस के लिए आज हम वोट करेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज अलगाववाद को और परेशानी को वोट नहीं करेंगे। 2019 का लोकसभा और उससे पहले जो लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे हुए उनमें और इसमें क्या अंतर है, क्या कितनी डिफरेंस है? आज हड़ताल नहीं है, आज हड़ताल की काल नहीं है, आज पथराव नहीं है, आज आप अमन के साथ यहाँ पर है डाउनटाउन में जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, इस लाल बाजार के इलाके में है जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, यहाँ पे हड़ताल होती थी, पथराव होता था, अब यहाँ नहीं है, और आज खुशी से जो भी वोट करेगा उसके जहन पे कोई दबाव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि बीजेपी जो दावा कर रही है तो वो उनने खुद साबित किया कि इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, नोबडी सपोर्टिंग देम ऑन ग्राउंड, सो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए एनसी और बाकी पार्टियों को, जो अपोजिशन में पार्टियां होती हैं उनको कहने का तो यहां पे डेमोक्रेसी है, कुछ भी कहेंगे, मगर वक्त फैसला करेगा, 4 जून को बातें सामने आ जाएंगी और आप देखेंगे कि लोगों ने तब्दीली को वोट किया होगा। बहुत शुक्रिया मैम।